वेलकम बैक टू द सेकेंड डे ऑफ दिस ट्रिप। तो अभी का अपडेट ये है कि उठ गए हैं, बाकी लोग अभी सो रहे हैं, हम दो जने उठ गए हैं, मैं और शुभम। तो बस अभी चलते हैं, थोड़ा फ्रेश वगैरह हो गए हैं, चाय वाय पीने चलते हैं। ब्रेकफास्ट नीचे जाके ही करेंगे क्योंकि एक छोटे से ट्रैक के लिए भी जाना है और देखते हैं वहाँ पर जाके क्या सिचुएशन है, कितना एंजॉय कर पाते हैं और दिखाते हैं आप लोगों को भी, एक्सप्लोर करते हैं और आपको भी करवाते हैं और मिलते हैं चाय पे। गाइज ये चेक करो, यहाँ का व्यू कितना साफ आसमान है और बढ़िया प्यारी प्यारी धूप खिली हुई है। अभी का अपडेट ये है कि सब हम दोनों उठ गए हैं, बाकी अभी तीन लोग सो रहे हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थके हुए थे और अभी बस यहाँ से खा पी के तो कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी अपना घूम फिर के खा पी के एंजॉय करके वापस आएंगे और बाकी का अपडेट जब निकलेंगे तब बताता हूँ मैं आपको। तो बस अब हम चलने लगे हैं मोइला ट्रैक की तरफ और बाइक का भी वार्म अप हो गया है और आज थोड़ा सा और एडवेंचर करेंगे अभी उतरने से पहले। सामने का व्यू देखो भाई, मतलब गजब। चढ़ने तो मेरे को मजा था ही था, उतरने में और मजा है क्योंकि बाइक को स्टेबल रखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर न्यूट्रल पे ला नहीं सकते क्योंकि रोड ही पत्थर हैं तो स्लिप होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। और हमारे साथ साथ चल रहे हैं गुड्डू भैया की करिश्मा आर द लेजेंडरी वन, और ये हैं गुड्डू भैया जो चल रहे हैं हमारे साथ। ये रात को लेट पहुँचे थे, असल में इनकी बाइक के इग्निशन में कुछ इशू आ गया था तो ये बाद में आए थे। तो भाई व्यू देखो यहाँ का, और यहाँ पर अब सब सारे बंदों ने रुक के सबने फोटोज वोटोज क्लिक करवाई हैं और बस अब आगे की तरफ निकल रहे हैं। तो हम लोगों ने अपना शुरू कर दिया है चढ़ाई मोइला टॉप के लिए, बट हम लोग खाएंगे कहाँ पर, ब्रेकफास्ट कहाँ करेंगे? बस जहाँ पर हम जा रहे हैं वहाँ पर ना स्नो मिल जाए मज़ा आ जाएगा, क्योंकि ऊपर सर ने बोला था कि मोइला टॉप पे ना आपको स्नो मिल जाएगी। तो बस अगर एक बार यहाँ स्नो मिल गई ना अपना ट्रिप सफल है, मजा आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जितने भी मैं होटल रिजॉर्ट्स देख रहा हूँ ना सब पे लिखा हुआ स्नो व्यू पॉइंट, स्नो व्यू पॉइंट, और 15 दिन पहले यहाँ पर स्नोफॉल हुआ था तो कह रहे हैं अभी 2 दिन पहले वो होके आए हैं मोइला टॉप, तो कह रहे चांसेस हैं कि आपको स्नो अच्छे से मिल जाएगी ऊपर टाइगर फॉल। अरे बर्फ दिखनी शुरू हो गई है भाई साहब, मजा आएगा मजा। बस अब ये है कि यहाँ पर थोड़ा सा ना आराम से चलना पड़ेगा क्योंकि ब्लैक आइस भी हो सकती है कहीं कहीं पर, तो थोड़ा सा सावधानी बरतनी पड़ेगी। ओहो हाँ, अब आगे जाके बढ़िया बढ़िया फोटोज क्लिक करवाएंगे और इससे ज्यादा स्नो एंजॉय करेंगे। ये देखो भाई यहाँ का नजारा, सो ये एरिया है त्यूनी रोड लोखंडी ग्राम पंचायत,
तो भाई यहाँ की लुक एंड फील देखो, और ये हमारे पराठे आ चुके हैं, अभी बाकी भी आ रहे हैं, और एकदम देसी फील, ऑथेंटिक। चलो जी, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट के लिए, नेक्स्ट मंजिल पे, और हम लोग करने शुरू जा रहे हैं छोटी सी ट्रैक, देखते हैं कहाँ तक जा पाते हैं, क्योंकि आगे तो बैरिकेडिंग है, तो थोड़ा ध्यान रख के चलना पड़ेगा, कोशिश करेंगे कि कवर कर लें। ओहो, तो जी आइस आ चुकी है, और अब इसके ऊपर से बाइक आराम आराम से लेके जाएंगे, क्योंकि स्लिपरी है काफी ज्यादा। ये है कि हम लोगों ने बाइक्स यहाँ पर खड़ी कर दी हैं, आगे बाइक ले जाने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि बैरिकेडिंग है, बर्फ़ पड़ी हुई है ज़्यादा, तो रेस्क्यू टीम वगैरह सारी वहाँ पर है, तो सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए यहाँ पर इसलिए आगे बाइक ले जाने नहीं दे रहे हैं, बट कोशिश करते थोड़ा बहुत चलेंगे, और उसके बाद फिर देखते हैं कि थोड़ा बहुत कुछ ट्रैक अगर कर पाए तो ठीक है, नहीं तो फिर यहीं से घूम के अपना इन्जॉय करके खा पी के वापस नीचे चलते हैं। हर्षल वैली में स्वागत है, ये देखो मज़ेदार। अच्छा, इसको कुछ भी बना दो, हर्चिल बना दो, इसको कुछ भी बना दो। ओहो, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, मतलब बढ़िया। अरे ले जाते हैं भाई, मैं चल चल। लो भाई, ये बर्फ से खेलना शुरू हो गए। ओए होए होए होए। भाई ये देखो बर्फ कैसी रुई जैसी है। यहाँ पर मौज चल रही है, बर्फ में खेल रहे हैं। आने बस ज्यादा पीछे मत जाना, क्योंकि उसके बाद फिर बिल्कुल स्लिपरी है। भाई ये देखो व्यू, अल्टीमेट बर्फ ही बर्फ, और ये वाली बर्फ देखो कितनी गहरी है, कि अगर मैं अपना पैर घुसाऊं तो मेरा पैर पूरा पूरा धस गया। ये देखो, ये देखो, और बस अब यहाँ पर रील्स की प्रिपरेशन चल रही है, और यहाँ पर मैं चैनल का हमारे ज़िंदगी व्लॉग्स को जाके सब्सक्राइब कर लो, और जल्दी से सपोर्ट करो। हम लोगों ने नया ऑफिशियल पेज बनाया है इंस्टाग्राम पे, तो लिंक मैं यहाँ पर डाल दूँगा, नाम सेम है हमारे ज़िंदगी व्लॉग्स, तो जाके जल्दी से उस पेज को भी फॉलो कर लो, क्योंकि वहाँ पर अपडेट्स बहुत जल्दी आते हैं। और बस यही है, चलते हैं आगे, एंजॉय करते हैं और कुछ रील शूट करते हैं। अभी का अपडेट ये है, शुभम और गुड्डू भैया निकल चुके हैं आगे ट्रैक के लिए, और हम लोग अब यहाँ से वापस जा रहे हैं, क्योंकि ट्रैक करने का हमारा मन नहीं था, बिकॉज बाइक राइडिंग ही सफिशियंट है, सारा कुछ एक साथ नहीं करते, तो उसके लिए फिर कभी अलग से प्लान करेंगे। तो अभी बस नीचे चलते हैं और थोड़ी देर उनका वेट करेंगे, अगर नहीं तो फिर हम अपना बाइक लेकर रिजॉर्ट चले जाएंगे, वो अपना पीछे आते देंगे।
तो भाई अब वापस चलने का टाइम आ गया है नीचे। वो लोग तो गए हैं अपना ट्रैक करने के लिए, बाकी हम तीन लोग थोड़ा सा नीचे, एक अच्छी सी लोकेशन है वहां पर जाके थोड़ा एंजॉय करेंगे और उनका वेट करेंगे। अगर वो टाइम पे आ गए तो वेल एंड गुड, अगर नहीं तो फिर हम पहुंचेंगे अपना रिजॉर्ट और वो लोग अपना आराम से आते रहेंगे। थोड़े से और नज़ारे लेंगे हम नीचे चल के। अब असल में दिक्कत भी क्या है कि मेरी बाइक में मैंने पेट्रोल ना रिफिल नहीं करवाया जब से मैं चला हूँ दिल्ली से, और पेट्रोल है काफ़ी कम। बस यहाँ से होटल रिजॉर्ट तक पहुँच जाएं हम लोग, फिर उसके अलावा कोई दिक्कत नहीं है, फिर अपना जा सकते हैं। ओह अल्टीमेट अल्टीमेट स्नो, बढ़िया मज़ा आ रहा है, मज़ेदार। ये तो फील ही नहीं हो रहा कि मैं चकराता में हूँ, सीरियसली। बहुत लोगों ने, अगर मैं लोकेशन नहीं डालू ना तो काफ़ी लोग तो पहचान ही नहीं पाएंगे कि ये चकराता है। बाकी बोलेंगे कि आप स्पीति साइड जा रहे हो या मनाली के आसपास कहीं घूम रहे हो जहाँ बर्फ पड़ी हुई है लोगों। मजा ही ये है कि अगर आपने बाइक ऐसे स्लश में नहीं चलाई तो आपकी बुलेट होने का जस्टिफिकेशन नहीं है। ये सब बर्फ पिघल पिघल के सारा कीचड़ बन रहा है जो कि खतरनाक भी बहुत है ना। तो भाई अभी का अपडेट ये है कि स्लश और बर्फ को और ब्लैक आइस को देखते हुए कि हम लोग अभी नीचे नहीं जा रहे हैं, क्योंकि नीचे जाने में टाइम लगेगा और ऊपर आने में ज़्यादा दिक्कत होगी, और हम असल में उस गियर्स के हिसाब से प्रिपेयर्ड नहीं है। हम अपने बाइकिंग गियर सारे, जो जैकेट वगैरह सब, नी गार्ड वगैरह सब है, वो हम सब घर पर छोड़ के रिजॉर्ट पर छोड़ के आए हुए हैं, तो रिस्क लेने वाली बात है, तो इट्स बेटर कि रिस्क ना लें, ज़्यादा सही रहेगा। ये आ गए अपने चिकन चावल और बहुत फेमस है, फोर्थ टाइम भैया का, और मैं फर्स्ट टाइम ट्राई करूंगा, काफी ज्यादा फेमस है, खाते हैं और एंजॉय करते हैं। यहाँ पर चांदा मोमोज से फिर से वापस आ गए, चिकन मोमोज पैक करवा रहे हैं, और यहाँ से हमने अभी खाए हैं चिकन चावल, बहुत बहुत ज्यादा टेस्टी थे। मतलब मैं रिकमेंड करूंगा कि जिसको भी चिकन वगैरह पसंद हो तो एक बार यहाँ पर जरूर ट्राई करना। 10 मिनट लगेंगे। तो अभी का अपडेट ये है कि हम लोग पहुंच गए अपना आराम से रूम पे, बस अब चेंज वेंज करते हैं। बाकी शुभम और गुड्डू भैया वगैरह भी अभी आने वाले होंगे थोड़ी देर में, क्योंकि वो लोग ट्रैकिंग करने के लिए गए थे, और बैठते हैं टीवी देखते हैं, जब तक वो आते हैं रेस्ट करेंगे। एकदम आपने वीडियो वगैरह बनाई है? बहुत, चलो ये भी दिखा देंगे आपको। तो ये भाई लोगों का स्पेशल मटन आ चुका है यहाँ का देसी, और ये अपना चल रहा है डिनर की तैयारी, और ये यहाँ पर ऑलरेडी एक व्लॉग चल रहा है। ये यहाँ की प्यारी सी साफ सी किचन है, एकदम बढ़िया, और अपना यहाँ पर डिनर विनर कर रहे हैं, उसके बाद अपना नेक्स्ट अपडेट देते हैं आपको। भाई मेरा गुलाब जामुन आ गया है, बाकी सब लोगों ने खत्म कर दिया ऑलरेडी, वो खत्म कर रहे हैं और वो खत्म कर रहे हैं अभी। ये देखो कितनी जल्दी खा, कितनी जल्दी खा रहे हैं भाई। शुभम भाई से टिक नहीं रहा, गरम गरम है, संभल नहीं रहे भाई। अरे अरे भैया चाशनी भी पीगा, दाढ़ी पे लगी है। जाने किस पे आवे।